Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, Law Alliance. तो आज के इस वीडियो में हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि क्या एंटिसिपेटरी बेल को लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट किया जा सकता है. कैन एंटिसिपेटरी बेल बी सेट फॉर लिमिटेड पीरियड. सो द टाइटल ऑफ द केस इज मोनिरुल इस्लाम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2022. इस केस में अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेक्शन 493, 376 एंड 109 आईपीसी के चार्जेस लगे थे. अक्यूज्ड ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए कैलकटा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की. हाई कोर्ट ने 2021 में एंटिसिपेटरी बेल तो ग्रांट कर दी बट सिर्फ 4 हफ्तों के लिए. मतलब एंटिसिपेटरी बेल 4 हफ्तों तक ही लिमिटेड थी. इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अक्यूज्ड ने एज अ पिटिशनर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो इस अपील को एंटरटेन कर रही थी उसमें प्रेजेंट थे जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया. पिटिशनर के एडवोकेट ने यह कंटेंशन किया कि लोअर कोर्ट ने यह एग्री किया है कि पिटिशनर के अगेंस्ट एफआईआर पॉलिटिकल रिवेंज के पर्पस से फाइल की गई थी. फर्दर एफआईआर को ऑफेंस कमिट होने की डेट से 2 साल बाद लॉन्च किया गया था. टू दिस प्रिसाइडिंग जजेस ने रिस्पोंडेंट एडवोकेट से पूछा कि मिस्टर काउंसिल, क्या आपने एंटिसिपेटरी बेल को लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट करते हुए सुना है. रिस्पोंडेंट ने सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2022 केस का रेफरेंस देते हुए कहा, योर लॉर्डशिप, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह डिसाइड किया है कि एंटिसिपेटरी बेल को फिक्स पीरियड के लिए लिमिट नहीं किया जा सकता जब तक कि स्पेशल एंड पिक्यूनर सर्कमस्टेंसेस ना हो. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड रिस्पोंडेंट दैट जब हाई कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है तो एंटिसिपेटरी बेल को 4 वीक्स तक रिस्ट्रिक्ट करने का क्या जस्टिफिकेशन है. Respondent replied that allegations इस matter में काफ़ी grave है. तो Honorable Supreme Court कहते हैं कि इस हिसाब से तो anticipatory bail entertain ही नहीं होनी चाहिए थी. Finally, Honorable Supreme Court ने High Court के order को modify करते हुए anticipatory bail grant की और कहा कि अगर petitioner को arrest किया जाता है तो उसे bail पर release कर दिया जाएगा. And at the same time, पिटिशनर से रेगुलर बेल अप्लाई करने को कहा, विच विल बी कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अगर पिटिशनर रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करता है तो उस एप्लीकेशन को मेरिट्स पर कंसिडर करना होगा विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ऑर्डर. तो ये था हमारा आज का वीडियो. होप यू गाइज लाइक दैट. प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए. थैंक यू.